नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल के बारे में एंड एनबीसीसी के चार्ट के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। और उससे उसके बारे में डिस्कस करते उसके पहले हमने आइडिया का वोडाफोन आइडिया का जो शेयर था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब वीडियो बनाया था तब हमने बोला था कि 1065 का लो है, यानी कि क्लोज भी उनका 1075 था और वहां से आपको दो दिन में काफी अच्छा रिकवरी दोस्तों मिला है। यानी कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह दे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा, कल जो हमने यस बैंक के बारे में डिस्कस किया था कि प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई का जो है वो फाइनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने काफी इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बीएचईएल के बारे में दोस्तों। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भारत गवर्नमेंट की गवर कंपनी है और इसका जो चार्ट है डेली चार्ट है आप देख सकते हैं। इस डेली चार्ट के ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक बार टच हुआ और दो बार टच हुआ नीचे गया। फिर मैं आपको जूम करता हूं आपके लिए, फिर अभी जस्ट 5 फरवरी में भी वो टच हुआ फिर नीचे हुआ, उसके बाद 18 फरवरी को भी टच हुआ नीचे हुआ और अभी भी एक बार टच हुआ है 24 फरवरी के आसपास नजदीक आया और नीचे गया। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर टच होके नीचे जाता है तो भी अपने को काफी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है दोस्तों। जब भी टच होके नीचे जाता है, अगर आप पकड़ के चले लास्ट जो 18 फरवरी का था कि उसका जो क्लोज था वो 43 था और जो अपना लाइन है वो भी 43.50 के आसपास है। दूसरे दिन वो जो स्टॉक है वो अराउंड ऑलमोस्ट अपने को 39 के आसपास मिला, तो काफी अच्छा स्विंग अपने को मिल सकता है। हम इंट्राडे और पोजिशनल के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों अगर ये स्टॉक यहां से ब्रेकआउट आ जाता है यहां पे और यहां पे ऊपर क्लोजिंग कर लेता है तो दोस्तों हमारा जो क्लोजिंग अगर आता है यहां के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि चार्ट में कहीं पे रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो है वो आपको 48 रुपीज के आसपास मिलेगा और जो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है 50 रुपीज का वहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी दोस्तों बहुत ही ऊपर लेवल के टारगेट है, अराउंड 58 के आसपास का आपको यहां पे मूव मिल सकता है और स्टॉप लॉस आप आज का जो डे लो है वहां पे कर सकते हैं। अगर नजदीक में करना है कहीं पे स्टॉप लॉस तो आप अगर आपका पोजिशन किस हिसाब से आप बना रहे हो उस हिसाब से इसमें आप पोजिशन के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है और आगे भी विनिवेश की चर्चाएं होगी तो इस स्टॉक के ऊपर काफी कुछ अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो इसके पास में ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। अब स्टॉक के दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे एनबीसीसी। एनबीसीसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी है, यानी कि पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक हमने हमारे चैनल के ऊपर आईआरसीटीसी और आईईसी रेकमेंड किया था। आईआरसीटीसी 1400 रुपए के आसपास रेकमेंड किया था जिसका वो अराउंड 1700 के आसपास ऑलमोस्ट उस वो ट्रेड करके वापस आया है। और हमने दूसरा जो स्टॉक था आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो स्टॉक था हमने 214 रुपए के आसपास रेकमेंड किया था वो अराउंड 3 रुपीज के आसपास ट्रेड करके वापस आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लाइन दिया है एनबीसीसी का, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पीएसयू स्टॉक काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची हुई है तो जो उसका 39.45 का हाई था वो ये स्टॉक ये वीक में ही एक बार टच करके वापस आया 19 फेब के ऊपर और आज क्लोज कर दिया है दोस्तों इसके ऊपर। तो इसके ऊपर डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आ गया है, अगर दो ट्रेडिंग सेशन है और उसमें भी ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा और लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक काफी अच्छे है। गवर्नमेंट की कंपनी है और यहाँ पे जो दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 50 रुपीज के आसपास ही आ रहा है और जो तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों इस स्टॉक में वो अराउंड 68 रुपीज के आसपास आ रहा है दोस्तों। तो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इस स्टॉक में आपको निवेश करने की सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।